मंच पर उपस्थित श्रीमान आदित्य अग्रवाल जी, श्रीमती रीता कुनवानी जी, डॉक्टर राजीव सिंह जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने मुझे यहां निमंत्रित कर आप लोगों से बातचीत का मौका दिया, क्योंकि सरकार जो सोचती है और आपके मन में जो समस्याएं हैं और सरकार समस्याओं का समाधान की जो दिशा में ले जाना चाहती है उसके बीच में अगर संवाद नहीं होता है तो कहीं ना कहीं समस्याओं के समाधान के लिए जो रणनीति बनती है, पॉलिसी बनती है, वो ठीक नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार का संवाद सरकार के लिए और उद्योग जगत के लिए, दोनों के लिए फायदे में रहता है और विशेष कर देश के इस पूर्वी हिस्से में। मित्रों, जब हम 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई को देश के सामने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के नाते घोषित किया और उनकी लीडरशिप में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की लीडरशिप में प्रचार अभियान की शुरुआत हुई, उस वक्त काफी सारी बातें कही गई थी। उसमें से एक बात मैं निश्चित यह कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत उचित जगह है वो बात याद दिलाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने पटना में कहा था कि आजादी के 68 साल के बाद देश का सम विकास नहीं हुआ है, देश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के बीच में विकास में बहुत बड़ा अंतर है और कोई देश सर्वसमावेशक और सब जगह के विकास के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि देश के पूर्वी हिस्से को देश के पश्चिमी हिस्से के समकक्ष बनाया जाए और विकास पूर्वी हिस्से के गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचा जाए, तभी जाकर देश संतुलित विकास की ओर आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि ये बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी वो आज जो परिसंवाद रखा है उसकी आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि जब तक देश के पूर्वी हिस्से का विकास ठीक से न हो तब तक देश 10% जीडीपी कभी अचीव नहीं कर सकता। इसकी पूर्व शर्त है अगर 10% विकास दर हासिल करनी है तो देश के पूर्वी हिस्से में अच्छी विकास की प्रक्रिया, तेज गति से विचार की विकास की प्रक्रिया शुरू हो। और इसके लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मगर मित्रों, एक प्रकार का ये सरकार जब आई तो बहुत सारी अपेक्षाएं सरकार के पास से लोगों ने रखी थी और स्वाभाविक है, रखनी चाहिए। और हमने भी बहुत सारी बातें लोगों के बीच में कही थी, तभी जाकर ये बड़ा परिवर्तन हुआ और 30 साल के बाद देश की जनता ने निर्णय किया कि किसी एक पार्टी को निर्णायक बहुमत देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में देना चाहिए, ताकि देश के विकास के लिए एक रास्ता प्रशस्त हो सके। मगर मैं उसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। मित्रों, यूपीए के शासन में 10 साल तक जिस तरह से सरकार चली,
बिल्कुल दिशाविहीन तरीके से सरकार चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें बाहर निकलती गई। एक देश दुनिया भर में एक बात प्रसिद्ध हो गई कि सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है, सरकार का कोई मंत्री अपने डिपार्टमेंट को ठीक से नहीं चला सकता था, अलग अलग प्रकार के कई सारे मंत्री समूह बने हुए थे, डिसीजन नहीं होते थे, सरकार के अधिकारी मंत्री को मंत्री नहीं मानते थे, सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते थे, एक अजीब प्रकार की कंफ्यूज स्थिति में ये देश था। और उसका परिणाम आया था एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस में, और इसकी स्वाभाविक रूप से असर देश की अर्थतंत्र पर पड़ी थी। और देश के अर्थतंत्र जो 21वीं सदी की शुरुआत में हमें दिखता था कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, वो स्थिति 10 साल होते 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 इतनी बिगड़ गई कि सबके मन में शंका होने लगी कि भारत का भविष्य क्या है। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हुए। उस बात को आज 15 महीने हो गए मित्रों। कई सारे सवाल, कई सारे चर्चाएं मीडिया में, कई सारी बातें आती है कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें जो विरासत में मिला है उसमें हमने उस स्थिति में से देश को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले हमने एक निर्णायक सरकार दी है, एक प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय की ऑथोरिटी को प्रस्तावित किया है। आज देश में निर्णय कौन करेगा उसके बारे में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं चल रही है। संविधान ने जिस व्यक्ति को अधिकार दिया है वही व्यक्ति देश की संवैधानिक संस्थाओं का नेतृत्व कर रहा है, और इसके कारण अलग अलग प्रकार की नई नीतियां बनी, नीतियों में सुधार हुआ और समस्याओं के निवारण की दिशा में काफी सारी चीजें हुई। यहां बात की गई कि FDI बढ़ाया गया, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई, ये सब चीजों में मैं जाना नहीं चाहता, मैं सीधे परिणाम दिखाना चाहता हूं। मित्रों, हमने कहा था कि हम इस देश में से महंगाई को कंट्रोल करेंगे। 10 साल तक UPA के सरकार में महंगाई, थोक महंगाई की जो सूचकांक है वो लगभग 5 और 7% के बीच में रहता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद थोक महंगाई का सूचकांक -2.4 पर हमने कंट्रोल किया है, और सातत्यपूर्व तरीके से एक साल कंटिन्यूअसली नेगेटिव में थोक महंगाई का सूचकांक रहा है। रिटेल महंगाई में भी 7% से कभी कम नहीं हुआ था, उसको हमने 5 और 5.4 के बीच में सीमित कर रह दिया है। महंगाई पर हमने कंट्रोल लिया है। रोजगारी के लिए कई सारी योजनाएं चालू की है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया में भी सरकार ने इस एरिया को कॉन्सेंट्रेट किया है। साबुन बनाने के लिए कोई यहाँ आए, इसके लिए हमने दुनिया को निमंत्रण नहीं दिया है। यहाँ सबमरीन बनाने के लिए आए, यहाँ अच्छी टैंके बनाने के लिए आए, यहाँ हवाई जहाज बनाने के लिए आए, यहाँ जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, इसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। और मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों कि 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ अपना इरादा सरकार के सामने जता चुकी है, और लगभग 300 कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग में जाने की स्थिति में है। जरूरत क्या है? जरूरत टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाले लोगों की है, जिससे हमारा इंपोर्ट भी कम हो, युवाओं को रोजगारी भी मिले, अर्थतंत्र की साइज भी बड़ी हो और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़े। इस दिशा में काम करने के लिए मेक इन इंडिया की योजना बनाई है। आप लोगों को शायद एकदम पसंद ना आए, मगर हमने कहा था कि काले धन की हम रोकथाम करेंगे, और काले धन की रोकथाम के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठोस कदम उठाए।
इसकी मैं ज्यादा मीमांसा करना नहीं चाहता मित्रों। परिवर्तन जब करना होता है तब कड़ाई भी करनी पड़ती है, और अगर शरीर के अंदर रोग है और उसको कटु दवा नहीं देते हैं तो कभी रोग का समन नहीं हो सकता। बहुत नितांत जरूरी है कि अप्रोच ये देश के 125 करोड़ लोगों के लिए पॉलिसी बनाने का हो जाए, देश के कुछ लोगों के लिए पॉलिसी बनाने का न हो और किसी के साथ अन्याय न हो, इस तरह की एक बैलेंस पॉलिसी इसके लिए बनाई गई है और कठोर कदम उठाए हैं। और उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था भी की है कि जो लोग आगे आकर इसके बारे में सहयोग करना चाहते हैं उनको एक रास्ता मिले। एक साल के अंदर 15 महीने हो गए इस सरकार पर, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आज तक 15 महीने में एक भी करप्शन का आरोप ऑपोजिशन भी नहीं लगा सकता। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घपले और घोटालों की श्रृंखला में से जो सरकार नई बनी, 15 महीने तक आज कोई भी करप्शन की बात नहीं कर सकता। और इसके कारण सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो इंडस्ट्री और ट्रेड जगत को हुआ है। आपको आश्चर्य लगा कि फायदा क्या हुआ है, आज एक भी चीज कोर्ट में फंसी हुई है नहीं, ना स्पेक्ट्रम फंसा हुआ है, ना कोयला फंसा हुआ है, ना खनिज की खदानें फंसी हुई है, ना कोई सरकार की पॉलिसी के कारण कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पर केस हुए हैं। इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है मित्रों, और फेडरल स्ट्रक्चर को भी, जो पूर्व के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, फेडरल स्ट्रक्चर को हमने मजबूत करने का काम किया है जिससे साच अर्थ में देश के हर हिस्से का विकास हो सके। हमने नीति आयोग बनाया, नीति आयोग के अंदर राज्यों को अधिकार दिए कि आप देश की पॉलिसी बनाने के अंदर राज्य अपना योगदान दें। कोयला और खनिज की खदानों के लिए एक नया कानून लेकर आए, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। और 14वें वित्तीय आयोग में राज्यों का जो अंश था उसको 10% एक ही साल में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। विदेश नीति, रक्षा नीति और एग्रीकल्चर, ये तीनों सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहली बार दुनिया में जो अप्रवासी भारतीय रहता है उसको लगता है कि मेरे देश में मुझे सम्मान मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जहां पर भी जाते हैं हजारों हजारों की संख्या में उनके स्वागत में लोग इकट्ठा होते हैं, और वो सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बात हम सब भारतीयों को माननी चाहिए। ये सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत की 125 करोड़ की जनता का है मित्रों। शायद ही आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री को विदेश में इतनी सम्मान मिला होगा। सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, संस्कृति और संपर्क, इन 5 पिलर्स पर हमने विदेश नीति को नए सिरे से एक रेखांकित करने का प्रयास किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। पड़ोसियों से लेकर व्यापार बढ़ाना है ऐसे देशों से लेकर, सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से महत्व के है, सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं। देश की रक्षा नीति में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। एक जमाना था जब देश के जवानों के सर काट कर यहाँ से देश के बाहर ले जाते थे, आज एक समय आ गया है कि देश के अंदर जवानों के साथ, उनकी जान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो विदेश में भी जाकर सरकार उनको दंड देकर वापिस आ सकती है। इस प्रकार की रक्षा नीति को, प्रोएक्टिव रक्षा नीति को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमल में लाया है मित्रों। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड और आपदा के समय में किसान की मदद, ये तीनों विषय में बहुत डिटेल बात हो सकती है मगर मैं करना नहीं चाहता अभी। ये तीनों बातों में बहुत बड़ा बदलाव ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, और मेरी बात मानकर चलिएगा, मैं ऐसे राज्य से आता हूँ मित्रों जहाँ 10 साल तक कंटिन्यूअसली एवरेज 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अचीव किया गया है। आप कल्पना करिए 10 साल तक 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, और उसका एकमात्र कारण था कि वहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हमने नीचे तक इम्प्लीमेंट करी थी। किसान को किस प्रकार का
क्रॉप लेना है, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए, इसका गाइडेंस उसके घर पे बैठे बैठे पटवारी देकर आता था। इस प्रकार की एक योजना हमने करी थी और उसको देश भर में लागू करने के लिए हमने एक शुरुआत करी है। इरिगेशन का भी क्षेत्र 14% बढ़ाने का लक्ष्यांक रखा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मित्रों, दिन के 4 किलोमीटर रोड बनाने की रफ्तार रह गई थी, एक ही साल में हम दिन के 13 किलोमीटर रोड बनाने की रफ्तार तक पहुंचे हैं। रेलवे की लाइनें बिछाने में भी लगभग 350% की वृद्धि हुई है और बिजली के क्षेत्र में सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए हैं। मित्रों, एक ही साल में 22,000 मेगावाट का उत्पादन बढ़ाया है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 22,000 सर्कल किलोमीटर की लाइनें हमने आगे बढ़ाई हैं और हर घर में बिजली पहुंचे, 24 घंटा बिजली पहुंचे, इसके लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शुरू किया है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तो पहले से था, अब गोवा, ये सब राज्य इसके साथ जुड़े हैं। तमिलनाडु ने भी जुड़ने के लिए एग्रीमेंट किया है, यूपी ने भी जुड़ने के लिए एग्रीमेंट किया है। अगर हर घर में 24 घंटा बिजली हम पहुंचा सकते हैं तो इस देश के डेवलपमेंट के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता मित्रों। क्योंकि गांव में जब बिजली पहुंचती है तो 24 घंटा, तो सिर्फ बिजली नहीं पहुंचती, बिजली के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचती है, शिक्षा पहुँचती है, रोजगारी पहुँचती है, छोटे उद्योगों को रोजगारी, छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगारी भी पहुँचती है। काफी सारे नीतिगत बदलाव करने के बाद स्थिति ये हुई है मित्रों, जब अटल जी की सरकार बनी देश में तब हमें विरासत में 4.4% का ग्रोथ रेट मिला था। अटल जी ने 6 साल शासन किया, 6 साल के बाद हम कांग्रेस को देकर निकले, तब 8.4% का ग्रोथ रेट देकर निकले थे। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया और जब हमें दिया तब फिर से 4.4% का ग्रोथ रेट हमें दिया, तो 4.4 से 8.4, 8.4 से 4.4, अब और 4.4 से 5.9 तक का ग्रोथ रेट एक ही साल में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हम सबको पूरा भरोसा है कि 2017 तक देश 10% ग्रोथ रेट को अचीव कर लेगा, उसमें किसी के मन में कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब ग्रोथ रेट बढ़ा है और जहां जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ग्रोथ रेट बढ़ा है। मित्रों, FDI के बारे में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसका भी परिणाम मिला है। देश का औद्योगिक उत्पादन -2% था, उसको बढ़ाकर 5% तक एक ही साल में पहुंचा है। मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बैलेंस, आज सर्वाधिक बैलेंस आज उपलब्ध है। बंद पड़ी हुई सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर जो बंद पड़ी हुई योजनाओं का प्रतिशत 15% पर था उसको हम 4% पर लेकर आए हैं, 15% से घटाकर 4% पर ले आए। मैं ये सब इसलिए बताता हूँ आपको कि ये बातें आमतौर पर मीडिया के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचती हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्या हो रहा है। आप कल्पना करिए कि जब हम शासन में आए तब देश की सभी योजनाओं में से 15% योजनाएं ठप पड़ी थी, आज हम 4% पर आ गए और हमारा लक्ष्य है उसको 1% के अंदर डाल देने का, अगले साल तक वो भी अचीव कर जाएगा। अगर योजनाओं में गति आती है तो विकास अपने आप होता है, इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, बहुत सारी चीजें हमने आर्थिक विकास के लिए देश के की है और काफ़ी कुछ करना अभी बाकी भी है, मगर जहाँ तक पूर्व का सवाल है, मैं इस राज्य की धरती पर बैठा हूँ और देश के इस हिस्से पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ जिस हिस्से ने एक हज़ार साल तक देश के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया है। 1,000 साल तक देश के आर्थिक विकास का नेतृत्व ये भारत के पूर्वी हिस्से ने किया है, पूर्वी क्षेत्र ने किया है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, क्लाइव लॉयड का एक पत्र इंग्लैंड की रानी को और उसकी कंपनी को लिखा था कि मुर्शिदाबाद की समृद्धि लंदन से
300 गुना ज्यादा है। ये बंगाल है मित्रों, और यहीं पर से उद्योग की शुरुआत हुई थी, यहीं पर से आर्थिक विकास की शुरुआत हुई थी। बंगाल, बिहार, ये पूर्वी हिस्सा आज जब देखते हैं तो बहुत दुख होता है। किस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ कि जो देश के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र था वह आज सबसे पिछड़ा क्षेत्र बन गया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर आसाम से लेकर बंगाल और झारखंड और बिहार, ये पूरा क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र है देश का, इसके विकास के लिए काफ़ी कुछ करना चाहिए, ये भारत की सरकार मानती है। इसलिए हमने सबसे बड़ा फैसला किया है और कानून लेकर संसद में आए हैं कि कोयले और खनिजों की खदान के अंदर से जितना भी नीलामी से पैसा मिलेगा वो सभी का सभी पैसा, एक पैसा भी केंद्र सरकार नहीं ले जाएगी, वो राज्यों को अपने विकास के लिए दे दिया जाएगा। और मित्रों, सिर्फ कोयले की 20 खदानों के नीलामी से 2,00,000 करोड़ रुपया ये पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को विकास के लिए मिलने वाला है। खनिज के खदान और बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, ये खदान खनिज से समृद्ध प्रदेश है और ग्रांट देने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, उसको सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पॉलिसी बनाई है, अगर इस राज्यों के लिए विकास के लिए उचित मात्रा में उनके पास फंड उपलब्ध नहीं है तो खदानों से, खदानों की नीलामी से जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा वो राज्यों के विकास के लिए दे दिया जाएगा। वो पैसा आज तक भारत सरकार के खजाने में आता था और सिर्फ 30% रॉयल्टी दे दी जाती थी राज्यों को, हमने रॉयल्टी और खदान की नीलामी से जो पैसा आया सब राज्य सरकारों को देने का फैसला किया है। इससे एक बहुत बड़े फंड की उपलब्धि पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए होने वाली है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बिहार हो, सब जगह पे आसाम में भी बहुत बड़ी उपलब्धि फंड की होने वाली है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत, आप कह सकते हैं कि हिम्मत वाला फैसला दिया है। भारत सरकार के पास भी आज इतनी फंड की उपलब्धि नहीं है कि इस तरह की योजना बना सके, मगर पूर्वी हिस्से को अगर बढ़ाना है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पूर्वी हिस्से को बढ़ाने के लिए ये योजना नितांत जरूरी थी और कोई पॉलिटिकल लाग लपेट के बगैर ये फैसला हमने किया है, क्योंकि आप सबको मालूम है पूर्वी हिस्से में हमारी सरकारें ही नहीं हैं, बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में एक भी नहीं है, आसाम में नहीं है, झारखंड में हम अभी अभी आए, पॉलिसी बनने के बाद आए हैं, फिर भी हमने ये फैसला लिया है क्योंकि ये बहुत जरूरी है मित्रों। इस हिस्से के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया गया है मित्रों। वैसे जो सारी योजनाओं की बात आगे की गई, ये सारी योजनाओं का फायदा, सबसे बड़ा फायदा पूर्वी हिस्से को होगा, चाहे वो जनधन योजना हो, इंश्योरेंस की योजना हो या इरिगेशन की योजना हो, इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ होना होगा। मगर ये योजनाएँ पूरे देश की योजना है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें हमने स्वीकार कर ली, इसके साथ ही सिर्फ पश्चिम बंगाल को 2,85,000 करोड़ रुपया मिलेगा, मतलब 1,70,000 करोड़ रुपया एक 5 साल में ज़्यादा मिलेगा। पहले आपको 1,03,000 करोड़ रुपया मिलता था, अब 2,85,000 करोड़ रुपया मिलेगा, लगभग 287% की बढ़ोतरी एक पंचवर्षीय योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, शुद्ध रूप से केंद्र सरकार की ओर से। मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूँ, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, असम और झारखंड का मिला दें तो कुल मिलाकर 6,50,000 करोड़ रुपया पूर्वी राज्यों में 14वें वित्त आयोग में 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश से एक्सेप्ट करने के बाद भारत सरकार की ओर से 5 साल में ज़्यादा मिलेगा। अब उसका उचित उपयोग करना ये राज्य सरकार के हाथ में है। भारत सरकार ने अपनी योजनाओं को कटौती कर कर अपनी रेवेन्यू बढ़ाएंगे, उसमें से योजना चलाएंगे, मगर राज्यों को फंड देना बहुत जरूरी है ये समझकर लगभग 6,00,000 करोड़ रुपया ये पूर्वी हिस्से के सभी राज्यों को दिया है, उसमें से बंगाल को सिर्फ
1,80,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा। 1,80,000 करोड़ रुपया मित्रों बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यूपीए की सरकार ने, मैं 13, 14 और 15, 16 की ही बात करता हूँ, ये 14वें वित्त आयोग लगने के पहले यूपीए सरकार ने 42,000 करोड़ रुपया बंगाल सरकार को अनुदान के रूप में दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15-16 में 63,500 करोड़ रुपया बंगाल की सरकार को अनुदान के रूप में दिया है। जनधन योजना के अंदर लगभग आप मानिए 1,42,42 लाख अकाउंट सिर्फ बंगाल में खोले गए। 1,42,00,000 परिवार 68 साल की आजादी के बाद बंगाल में ऐसे थे जिसमें आजादी का फायदा पहुंचाने के लिए कोई जरिया ही नहीं था। पूरे परिवार में एक भी व्यक्ति के लिए के पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इनिशिएटिव के कारण बंगाल में आज 1,82,97,000 लोगों के बैंक अकाउंट खोलने की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। मित्रों आप कल्पना करिए कितना बड़ा एम्पावरमेंट होता है। एक परिवार में एक भी बैंक अकाउंट ना होना, ये हॉल में बैठे हुए लोगों को तो शायद कल्पना भी नहीं आएगी, मगर वास्तविकता है। यही बंगाल में 1,82,00,000 लोग ऐसे थे, परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। मित्रों सोशल सिक्योरिटी स्कीम के माध्यम से 10,00,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का जीवन बीमा लिया गया है, 2,00,000 का सिर्फ 300 रुपये के प्रीमियम से, और 44,90,000 मतलब 45,00,000 लोगों का 2,00,000 का एक्सीडेंट बीमा सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम से लिया गया है। 12 रुपये में एक साल आपको किसी को 2,00,000 का एक्सीडेंट बीमा दो और 300 रुपये में 2,00,000 का लाइफ इंश्योरेंस दो, इस तरह से की बातें की है। मनरेगा रोड के लिए काफ़ी फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ओर से दिया गया है। मित्रों लगभग 2,322 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इनिशिएटिव से सिर्फ बंगाल के लिए शुरू किया गया है, और उसके लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये की राशि जो अनुदान से अलग बंगाल को मिलने वाली है। एक बहुत बड़ी समस्या थी बांग्लादेशी घुसपैठियों की, उसको एड्रेस करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। एक सिटीजन रजिस्टर बनने वाला है, दूसरा बांग्लादेश के साथ समझौता कर फेंसिंग को पूरा करने का इनिशिएटिव लिया है जिसे उस ओर से घुसपैठी नहीं होगी, और जो हिंदू शरणार्थी है उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का नागरिक बनाने के लिए इनिशिएटिव लेने वाली है, जिसके कारण 3 प्रकार से इस समस्या का समाधान सोचकर पूरे पूर्वी हिस्से में न केवल बंगाल, बिहार, बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जो घुसपैठियों की समस्या है उसको भी एक लंबे समय से चली आ रही समस्या को एड्रेस करने का हमने प्रयास किया है। ट्रेनों के लिए भी बहुत बड़ी सूची है, मैं कोई ज़्यादा बात करना नहीं चाहता मित्रों, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 24 घंटा बिजली देने के लिए भी हमने 19 जिलों को आइडेंटिफाई किया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए, और उसके लिए 8,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से खर्च किया जाने वाला है। हम आशा करते हैं अगर ठीक सहयोग रहा राज्य सरकार का तो 1 साल के अंदर बंगाल के 19 जिलों में गुजरात की तरह 24 घंटा 3 फेज अनइंटरप्ट पावर बंगाल के हर गांव में पहुंचेगा। ये योजना भारत सरकार ने शुरू की है मित्रों, और इसके कारण एक बहुत बड़ा विकास का रास्ता खुलने वाला है। छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना नहीं चाहता, शहरी विकास हो या मतलब लगभग 3,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए दिया गया है, श्रम मंत्रालय ने भी काफ़ी काम किया है, मगर मित्रों विकास इस योजनाओं से नहीं होता है। क्या नहीं था बंगाल में? सब कुछ था। आज़ादी का समय याद करिए तो बंगाल देश के बहुत अच्छे राज्यों में से एक राज्य था, और आज़ादी के 68 साल के बाद जब इवेल्युएशन करते हैं तो बंगाल कहाँ पहुँच गया? कम्युनिस्ट का एक लंबे समय का शासन रहा, और परिवर्तन के आधार पर
हम तृणमूल कांग्रेस को लाए, बंगाल की जनता लाई, और उसमें भी घोर निराशा हासिल हुई है, घोर निराशा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हुई थी। जब तक डेवलपमेंट का वातावरण की एक एटमोस्फियर नहीं बनाया जाता, तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। पूर्वी हिस्से में जरूरत है एक माहौल बनाने की, एक समाज के अंदर विकास के अनुकूल माहौल बनाने की, डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट बनाने की। वो एनवायरनमेंट तभी बन सकता है जब यहाँ पर इस प्रकार के पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा शारदा कौभांड में लोगों के पैसे अगर चले जाते हैं और विकास करना चाहते हैं तो नहीं होगा। हर रोज बम धमाके होते हैं और उसके कारण डर खौफ पैदा हो जाता है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। केंद्र सरकार के साथ सहयोग लेकर राज्य का विकास अगर कोई करना चाहता है तो केंद्र सरकार उसके लिए सदैव तत्पर है। कोई भी राज्य हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम तैयार हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सरकार किसी भी पार्टी की हो, मगर उसके डेवलपमेंट के लिए अनुकूल मदद करने की, एक वातावरण बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। मगर यहाँ पर भी डेवलपमेंट के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस माहौल बनाने में बंगाल की जनता कुछ शुरुआत करेगी और बंगाल की सरकार भी कोई अच्छी शुरुआत करे तो वो स्वागत योग्य होगा। मगर जो डेवलपमेंट के इनिशिएटिव भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं, वो डेवलपमेंट के इनिशिएटिव अगर अनुकूल माहौल है नहीं तो यहाँ पर परकोलेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ मित्रों, मैं भी लंबे समय तक सरकार में रहा हूँ, जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, जब तक जनता में विश्वास नहीं होता, जब तक उद्योगपतियों में विश्वास नहीं होता, जब तक ट्रेडर्स में विश्वास नहीं होता, ना इन्वेस्टमेंट आता है, ना परिश्रम होता है, ना परिश्रम और इन्वेस्टमेंट का परिणाम मिलता है, कुछ नहीं होता है। अगर विश्वास का माहौल बनता है तभी जाकर परिणाम होता है। सर, केंद्र सरकार की ओर से योजनाओं को भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर माहौल बंगाल के अंदर और पूरे पूर्वी भारत के अंदर हम ठीक नहीं करते हैं तो परिणाम मिलने की संभावनाएं नहीं होगी। और मैं आशा करता हूं कि पूरे देश के अंदर विकास की एक नई शुरुआत हुई है, उस वक्त ये बंगाल जिसका नेतृत्व कर रहा है, ऐसा देश का पूर्वी हिस्सा भी ये विकास की यात्रा में जुड़ जाए और देश के विकास में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कंट्रीब्यूट करें। मित्रों, सात अर्थ में ये कोई स्लोगन नहीं है कि भारत की विकास दर 10% तब तक नहीं होती जब तक पूर्व की विकास दर नहीं बढ़ती है। तो एक इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा भूभाग, इतना बड़ा पॉपुलेशन विकास से पिछड़ जाए और देश का विकास हो जाए, संभव नहीं है। मोदी जी, भारत सरकार कितना भी कर ले, अगर पूर्वी हिस्से में विकास की ललक नहीं जगती, पूर्वी हिस्से में विकास के लिए एक स्पर्धा नहीं चलती, पूर्वी हिस्से में विकास के लिए एक अनुकूल माहौल नहीं बनता, तो पूर्वी हिस्से में विकास के लिए तकलीफ आने वाली ही है। और जब तक पूर्वी हिस्से का विकास नहीं होता, देश को 10% ग्रोथ रेट पहुंचाने के लिए थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। मित्रों, बहुत सारे ऐसे सबके मन में सवाल है कि भाई थोड़ी स्पीड स्लो है, मगर मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमें जो विरासत में मिला है इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। हम ग्रोथ रेट को 4.4% से 5.7% एक साल में पहुंचाते हैं तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी दोनों डेफिसिट कम हुई है, आज फॉरेक्स सरप्लस सर्वाधिक है, मूडीज और बाकी संस्थाएं भी हमारे रेटिंग को इम्प्रूव कर रही है और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। देश विकास के रास्ते पे आगे चल रहा है, विकास के साथ महंगाई को भी हमने कंट्रोल में किया है और जन कल्याण की योजनाओं को भी हमने आगे बढ़ाया है और एक सम विकास की कल्पना मोदी जी ने रखी है जो पूर्वी हिस्से को साथ मिलकर पूरे देश का विकास हो।
मैं मानता हूं कि उस स्पिरिट को पूर्वी हिस्से से जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा और यहां पर भी एक विकास की नई शुरुआत होगी। मित्रों, 14th फाइनेंस कमीशन और ये कोयला और खनिज खदानों की नीलामी का पैसा जो राज्य सरकारों के पास आना है वो दोनों को मिला देते हैं तो अभी की जो रेवेन्यू है उससे 2x-3x रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होती है। इसका उपयोग अगर अच्छे तरीके से होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी विकास की एक नई शुरुआत होगी। देश बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी दिशा में एक सक्षम नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इसको एक्नोलेज कर रही है। उस वक्त देश का ये पूर्वी हिस्सा भी देश के विकास के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। वंदे मातरम।